तो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आप देख सकते हो, आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, तो एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं होता, तो उसके लिए सॉरी। और मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। और मेरा 1000 का टारगेट है, और वो भी आप जल्दी करवा दीजिए, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है 1000 सब्सक्राइबर का। और आज हम दोनों जा रहे हैं ओखला, क्या कहते हैं, हमारी N160 की सर्विस करवाने जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है चैन में। और अभी हम यहाँ छतरपुर पहुँचे हैं, क्योंकि बाइक हमारी छतरपुर में ही खड़ी है, ट्रैफिक वाले हैं। और हमने बस अभी एक हेलमेट ले रखा, क्योंकि एक हेलमेट हमारे बाइक के पास ही है। और देखो पोर्च जा रही है, एल्विस यादव पे है, लेकिन वो 2 सीटर है, एक्सयूवी नहीं होती। इसने गुड्डू ने अपने भाई को बाइक दे के आया हुआ था बाइक लेने के लिए, किराया फूक फूक के मांडी से छतरपुर आए हैं, और छतरपुर से अब हम जाएंगे ओखला। पहले हम बाइक तो मिल जाए, बाइक को आपको दिखाते हैं, फिर हम रास्ते में चलते हुए आपको दिखाते हैं। अभी तो पहले मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, क्योंकि मैं सो के उठा नहीं, जिसने मुझे उठा के ले आया। तो चलो मिलते हैं थोड़े से आगे। तो गाइस, ये खड़ी है बाइक N160, तो इसकी ना चैन में बहुत दिक्कत आ रही है, एक चैन में और एक डिस्क ब्रेक में। तो आज जा रहे हैं इसकी सर्विस करवाने, तो अंदर से चाबी लेके आनी पड़ेगी हमें। हमें बहुत थका हुआ हूँ यार, पता तुम्हें, हमें तो बहुत भूख भी लगी है। तो हमें यहाँ वेट करते करते आधा घंटा हो चुका है, लेकिन इसका भाई नहीं आया। मजाक कर रहा हूँ, अभी 1 सेकेंड नहीं हुआ, अभी तो पहुँचे। तो गाइस, बाइक हमें मिल गई है, और हम जा रहे हैं ओखला की तरफ। बहुत 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 ज़्यादा मुझे भूख लगी है, बहुत ज़्यादा, और मैं बता नहीं सकता आपको। यहाँ सब्जी मंडी लगती है शाम के समय। ओहो, मर्सिडीज। ट्रैफिक का टाइम है ना, तो ट्रैफिक बहुत मिलता है यार। अभी यहाँ तो कुछ नहीं, ओखला की जाते समय ना बहुत ट्रैफिक मिलेगा, बहुत हद से ज़्यादा। क्या कर रहा है यहाँ से, ट्रैफिक मिलना स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक यहीं से बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ मिलता है। और यहाँ से चिड़ियाघर भी पड़ता है रास्ते में, अभी आओ चिड़ियाघर। और आ रहा है चाची का, तो अभी हम लोग एक बाइक चेक करो, ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक आज बहुत कम है, लेकिन बहुत ट्रैफिक अभी भी है। समझे नहीं समझे ना, मैं भी नहीं समझा। तीसरे गियर में चला रहा था, इतना बट Thank you.
फाइनली गाइस तो अपना पहुंच गए सर्विस सेंटर पे। बस एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड का और रास्ता है। ये देखो हम अपना पहुंच गए। ये यामा का शोरूम है और यहाँ सब शोरूम ही शोरूम है। ये यामा का, वो बजाज का, वो केटीएम का, और ये बजाज और केटीएम का सर्विस सेंटर है। ये टीवीएस का सर्विस सेंटर है और यहाँ पे हम पराठे खाएंगे अभी खा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ओए तेरे पापा तो सर्विस सेंटर पहुँच चुके हैं। तो बाइक और उसके अंदर ही खड़ी है, अंदर चलते हैं। तो गाइस हमारी बाइक सर्विस होने के लिए चली गई है और हम यहाँ पे बिरयानी पेल रहे हैं। देखो बाता मत छोड़ दे बड़े बड़े। यहाँ से बिरयानी खाने के बाद अभी चलते थोड़ा सा घूमते फिरते, क्योंकि हमारी बाइक 4 या 5 बजे तक मिलेगी, तो हमें जब तक वेट करना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं थोड़े से आगे, फ़ोन में ज़्यादा चार्ज भी नहीं। तो गाइस आजकल का मौसम देख रहे हो, अभी बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी और अभी तो धूप निकल रही थी और देखो बारिश हो रही है। ये दीवाना बड़ा मौसम। तो बस चल दीजिए, मैं तो चाहता हूँ यार बहुत तेज़ बारिश हो जाए, मुझे घर भी भाग जाए, ये डूब के मर जाए, क्योंकि मुझे तो तैरना आता है। लंड मैं तो बच जाऊँगा, लंड आता तेरे को भोसड़ी के गंडे। तो गाइस हम लोग ना बहुत चल रहे जब से, उसने एक मिनट भी तब से बैठने नहीं दिया मेरे को, अब मैं बैठा हूँ थोड़ी देर। और हम पता नहीं कौन सी जगह में आ गए हैं, मुझे यहाँ का एरिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत बहुत ज़्यादा गंदगी है। मैं किस तरीके से चल रहा था ना, मुझे पता हर जगह कीचड़ 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 कीचड़। तो यहाँ तक हम, यहाँ थोड़ा साफ सफाई, यहाँ थोड़ी साफ सफाई है। चलो अभी वहाँ से मुझे मेट्रो दिख रही है, तो वहाँ से हमें सीधा चलेंगे। गुड दवाई ले रहा है, इसको पता नहीं खांसी वासी हो गई है, तो मैंने कहा चल ले ले। इसके चक्कर में यहाँ आना पड़ा मुझे, एक ही शॉप है बताऊँ यहाँ पे, ये वो भी ये वाली। क्या बात, देख रहे चोरों की तरह हमें जाना पड़ रहा है। वो पता है गली यहाँ ये अंदर का सीन दिखाता ना, तो मैं तुमसे हैरान हो जाते, हर बगल में दुकानें दुकानें दुकानें, मैं तो पागल हो गया, परेशान हो गया। ये गलियां हैं देख लो, ऐसे ऐसे चोरों की तरह हम जा रहे हैं घरों में से निकल निकल के। वाह रोड पे निकले, रोड दिखा पे हम, एक और हम रोड रोड हमें दिख गया। अब देखो पूरा रोड, हम परेशान हो गए थे, हम गलियों में खो गए थे, एक अंकल मिले और उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और उन्होंने कहा इस गली से निकल जाओ, पतली गली से, तो हम बाहर निकल गए। मैं परेशान हो गया था, ऐसी ऐसी गंदगी, इतनी छोटी छोटी गलियां और हर हर कमरे में वो थी दुकानें, हर कमरे में, ये नहीं है कि ये कमरा छोड़ा ये कमरा, हर जैसे जैसे तुम्हें कमरे दिखते जाएंगे हर कमरे में दुकानें मिलती जाएंगी। क्या गलियां थी, और सारी कपड़ों की दुकान, रील वील कपड़े। कभी हम भी ऐसे बचपन में बच्चे बनते थे, लेकिन अब समझदार हो गए ना, तो ऐसे नंगे नहीं घूमते। इसकी वजह से हम खोए थे, इसकी वजह, इसको खानी थी ना दवाइयाँ, और अभी विक्स खा रहे हैं, विक्स लेने में इतनी दूर गए थे। तो चलो अब हम यामा के शोरूम पहुँचने वाले हैं बजाज के में, तो चलो हम चलते हैं। तो गाइस N160 एकदम ठीक हो चुकी है, बढ़िया बन चुकी है और हम यहाँ से निकल चुके हैं घर के लिए, और हम जा रहे हैं, और अब पिकअप भी शायद अच्छी ले रही है बाइक, पिकअप अच्छा ले रही है, बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा। तो अब हम घर जा रहे हैं, अब इसमें से आवाज़ नहीं आ रही, जो आवाज़ इसकी हमने दिक्कत दे रही थी। तो यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक हो रहा है। और आप लोगों को बताते बताओ, मैं ना सो गया था अभी, वो भी अंदर सोफे पे ही लेटे लेटे सो गया था, इस भोसड़ी वाले ने मुझे उठा लिया। तो ट्रैफिक देखिए आप कितना सारा है, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मौसम बड़ा सुहाना है। जैसे मैं केदारनाथ में बारिश के मौसम मिल रहे थे ना बार बार देखने के लिए, यहाँ पे भी अब बारिश के मौसम हर दिन देखने के लिए मिलते हैं। आज वैसे
90% बारिश होने वाली थी मैंने सुना था कहीं, लेकिन हुई नहीं। होती तो मज़ा आता, क्या पता रात में हो जाए, मेरे को नहाना है बारिश में। चलो फिर मिलते हैं थोड़ा सा आगे। कुछ पापा की परियां गाड़ी के सामने से ऐसे पार होने की सोचती है ना, जैसे कि मैं ही हूँ सब कुछ। अभी उड़ जाती हूँ आंटी खामा खा की। तो गाइस हम लोग अर्चनी तो पहुंच गए, लेकिन ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक बड़े, ट्रैफिक का बाप है। गाड़ियाँ ट्रैफिक। अब तो मैं पहली बार यहाँ पर ट्रैफिक देख रहा हूँ, कभी नहीं देखा। ट्रक ट्रक बस बस सब लग रही है, भूख लग रही है, मुझे भूख लगी है। अब मैं तो सो गया था, अभी उठाऊँ मैं तो सो बीस मिनट देखा था। क्या तो गाइस हम लोग डायरेक्ट वहाँ से यामा शोरूम आ गए हैं, और क्योंकि इस बंदे की बाइक आ रही है ना खुशी के मारे कह रहा मुझे मतले वीडियो में हालत बुरी हो रखी है। तो अभी R15 लेने के लिए आए हैं, सब कुछ हो चुका है, बस थोड़ी टाइम लगेगा उसको आने में। बंदा खुशी के मारे पागल हो रहा है, हम पेप्सी पी रहे हैं। कौन कौन पी रहे तो गाइस फाइनली बाइक आ गई। बताओ हमने पूरे 9 घंटे वेट करने के बाद बाइक आ गई, 9 घंटे बिलीव नहीं करोगे, 10 बजने वाले हैं। ये लगवा दो भाई, ये लगवा दो। ओए भाई कटा हटाए खटारा को, मेरी बाइक में हाथ मत लगा दी। ओए डायलॉग मार रहा है, डायलॉग देख रहा, डायलॉग। ओए आराम से, ओए इज्जत कर लिया बाइक की, तुम्हारी बात मानता हूं, हमारी पता है फीलिंग कितनी हो रही है सुबह से यार। जल्दी जल्दी फोटो वोटो खिंचो, बाइक आ गई है। ऐसे हम चलते हैं बाइक पर, मेरे फोन में बैटरी भी खत्म हो गई, चिपका है नहीं होनी है। फोटो वोटो खींचो, चलो बाइक आ चुका है। तो गाइस हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, हेलमेट वेलमेट ले लो सब अपने अपने, मेरा हेलमेट ये रहा। ओए सब हेलमेट वेलमेट लो, अजय बहुत बहुत बधाइयां। आओ संदीप भाई, कौन छोड़ चाबी लगाओ, चाबी लगाओ, चाबी ऐसे इसको टायर भी आ रहा है।